पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने पंचायत भवन में एक संगोष्ठी को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बीते 4 वर्षों में कराए गए कार्य और विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें भी उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि बीती सरकारों ने जितना काम नहीं किया उतना काम भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में कर दिया है, जिसके कारण विपक्ष को अब कोई मुद्दा नहीं मिला और आए दिन सरकार पर अर्गनल आरोप लगाए जा रहे हैं। 31 करोड़ लोगों का बैंकों में खाता खुलवाया गया और उनके खाते के साथ साथ हमारे गरीब लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की गई और जो भी गरीब लोग थे उनके जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको सुविधा दी गई। 18,374 गांवों में विद्युतीकरण किया गया। भारत को शक्तिशाली भारत बनाने की दृष्टि से GDP 7.4% आर्थिक दृष्टि से एक समृद्धशाली भारत बनकर के तैयार हुआ। आज भ्रष्टाचार मुक्त भारत है और कोई एक भी आरोप नहीं लगा सकता। उनके जमाने में मुद्रा कांड, गोदड़ा कांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद करीब घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद करीब घोटाला कांड और कोयला घोटाला कांड, कितने सारे घोटाले हुए थे। और इसलिए आज की तारीख में पूरे 4 सालों के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार, कोई घोटाला नहीं हुआ। इसलिए एक अच्छी सरकार, समृद्धशाली सरकार, शक्तिशाली सरकार, इसलिए 4 साल बेमिसाल यह सरकार मोदी जी की सरकार। लेकिन वहीं पत्रकारों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के बारे में पूछा तो जवाब में कहा कि सब कुछ सही है, बावजूद इसके विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है। विधायक सुरक्षित हैं, भारत के सभी लोग सुरक्षित हैं और जो कोई असुरक्षा करने की कोशिश करेगा उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। शुरू है, अभियान शुरू है, जारी है। गांव-गांव में लोग अब स्मार्टफोन लेकर के चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि आजकल ई पेमेंट शुरू हो गया, सब लोग अपने मोबाइल से पेमेंट करना शुरू कर दिए, बिजली का बिल जमा करने शुरू कर दिए और लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। धीरे धीरे करके उनको हम आगे बढ़ाएंगे। भारत अब पिछड़ा भारत नहीं रहेगा, भारत एक महान भारत, शक्तिशाली भारत, टेक्नोलॉजी से युक्त भारत बनेगा। इसलिए स्मार्ट विलेज न्यू इंडिया के कॉन्सेप्ट हम लोग चल रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मिली धमकियों के बारे में महेंद्र सिंह ने कहा कि कोई भी असुरक्षित नहीं है, सभी सुरक्षित हैं और किसी को भी असुरक्षा की भावना नहीं रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस इससे निपटने के लिए सक्षम है। वहीं उन्होंने देश में जो चुनावी माहौल है उसको लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। कैराना और नूरपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत आर्थिक दृष्टि से मजबूत भारत बना है। जब वो भारत छोड़ करके गए थे, उनके प्रधानमंत्री थे तो 4.4% पर GDP थी, आज 7.4% पर GDP है। जब उनकी सरकार थी तो एक भी गरीब का खाता बैंक में नहीं था, आज की तारीख में 31 करोड़ लोगों का बैंक में खाता खुल गया है। जब उनकी सरकार थी तो किसी को छत नहीं मिलती थी, आज 1 करोड़ लोगों को छत मिल गई है। जब उनकी सरकार थी तो 18,374 गांव में बिजली नहीं थी, आज 18,374 गांव में बिजली हो गई। जब उनकी सरकार थी तो सेना के लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल पाई, आज 1 रैंक 1 पेंशन मिल गई। जब उनकी सरकार थी और आज की सरकार में सेना के जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया की योजनाओं को लागू किया है। अपनी सरकार ने अटल पेंशन योजना भी हमारी सरकार ने लागू किया है, जीवन बीमा योजना लागू किया है, इसके साथ साथ महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाओं की घोषणा की है और इसी के तहत इंद्रधनुष योजना के तहत बहुत सारा टीकाकरण किया गया है। यानी बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक की चिंता, महिलाओं से लेकर के और व्यापारियों तक की चिंता इस सरकार ने की है और इसलिए सीमा की सुरक्षा से लेकर के सेना के जवानों तक की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी ने की है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।